एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी को, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त सी जो है वो एक रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि एक्चुअली स्नैक है, लेकिन आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो है रॉ यानी कि कच्चे मकई के दाने लिए हैं। रिमेम्बर, हमें कच्चे लेने हैं, स्वीट कॉर्न नहीं लेने, ठीक है जी। उसको हमने अच्छे से इसको पीस लेना है, बहुत ही अच्छे से। देखें बिल्कुल जो है ना दाना दाना इसका अलग हुआ हुआ है, थोड़े से दाने होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमने दानों से जो है वो इसको एक्चुअली पीसा है, तो यस दाने होंगे डेफिनेटली। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, ओट्स, यस ओट मील आप इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे मैंने इसमें सिर्फ 2-3 ही चम्मच इसमें ऐड किए हैं। अच्छा, अब मसालों की अगर बात की जाए, वैसे तो मैं ये भी बता दूँ कि दोनों चीज़ें जो है ग्लूटेन फ्री हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट 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 ऑप्शन है ये। और ऑब्वियसली अगर आप वेट लॉस पे हैं, तो यानी कि वेट लॉस जर्नी अगर आपका चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें तो ज़बरदस्त है, और सुबह के लिए तो एक ज़बरदस्त किक स्टार्ट है आप लोगों के लिए। अच्छा, मसाले मैंने चूँकि अपने हिसाब से डाले हैं, यानी कि नमक, काली मिर्च और हल्का सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है और उसको मिक्स कर दिया था। आप लोग चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, जो मसाला आपको अच्छा लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इसकी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, और ये जो है हमने बहुत ही हल्के ऑयल में, बिल्कुल हल्के ऑयल में हमने इसको पका ली है। ये देखें आपकी टिक्की बिल्कुल ज़बरदस्त इनका शेप आया है, कहीं से आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। इवन अगर मैं आपको अंदर से इसको जो है वो तोड़ के भी दिखाऊँगी, तब भी आप कहेंगे कि वाकई अच्छे से ये कुक हुआ है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, वरना तो आप लोग की मस्ती आप किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं। तो ऐसी अगर रेसिपी आपने कहीं खाई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या आप ये बनाना चाहेंगे अपने लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और ग्लूटेन फ्री रेसिपी है तो ग्लूटेन फ्री क्या है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ग्लूटेन फ्री के बारे में।